तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेटा कनेक्शंस, और हम बात करेंगे कि एक फोल्डर में कई सारे फाइल हैं, उन फाइल का डेटा एक सीट पे कैसे लाया जा सकता है। जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे पास 7 फाइलें हैं और 7 फाइलों पे डेटा, कुछ ना कुछ डेटा डला हुआ है। मुझे इसको एक के नीचे कॉपी पेस्ट करना है, राइट? तो कैसे करें? तो एक एक कॉपी पेस्ट करने की जगह पे आप डेटा मेनू बार में चले जाएं। अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन का एक्सेल है तो यहां गेट डेटा में फ्रॉम फाइल में सबसे नीचे आपको दिखेगा फ्रॉम फोल्डर। क्या दिखेगा? फ्रॉम फोल्डर। इस फ्रॉम फोल्डर पे क्लिक करें। और यहां इस पे हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसके पाथ को पेस्ट करते हैं, पाथ पेस्ट करके फिर ओके करते हैं। ठीक है, आपके सामने देखिए डेटा आ गया। अब इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 1 से लेकर 7 तक का डेटा आपको दिख रहा है। अब इसमें हम डायरेक्ट अगर लोड कर देते हैं तो क्या होगा? लोड करने से ये होगा कि जो डेटा आपको दिख रहा है 7 फाइल का, जो डिटेल है कि कंटेन, नेम, एक्सटेंशन, डेटा एक्सेस, डेट मॉडिफाइड, डेटेड एट्रीब्यूट और बाकी चीजें जो आ रहा है आपको, ये आपको सिर्फ शो हो जाएगा। लेकिन मैं अगर कंबाइन पे जाऊं, मैं करूं कंबाइन एंड लोड पे जाता हूं, कंबाइन एंड लोड पे मैं जाऊंगा, यहां पे कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म भी था, फिलहाल कंबाइन एंड लोड पे आते हैं। तो यहां पे आपका फर्स्ट फाइल लिखा हुआ है। अब आपको ये डिसाइड करना है, हो सकता है इसमें किसी में कुछ कॉलन हो और किसी में कुछ कॉलन ना हो, ऐसा भी होने की पॉसिबिलिटी है। तो आप ये देख लेंगे किस फाइल में कॉलन है, सारे कॉलन है, उस फाइल को सिलेक्ट, उस सीट को सिलेक्ट कर। और यहां देखें आपके सामने डेटा दिख रहा है और यहां पे आप ओके कर। ये आपके सामने डेटा आ गया, क्लियर है? विदाउट इसमें किसी को? सर इसमें तो एक ही शीट है ना सभी फाइल में? अगर 4-5 शीट हो तो, मतलब एक फाइल में एक शीट है, किसी में 2 शीट है, तो फिर वो कैसे देखेगा कि कौन सी शीट उठानी है? ऐसा तो मैंने कभी किया ही नहीं, इसका भी एक अपना फॉर्मेट है। चलो एक बात करता हूँ, शीट 7 में 2 शीट डाल देते हैं, यहाँ पे 2 शीट डाल देते हैं, एक में डाल देते हैं डेटा, इसमें डाल देते हैं डिटेल, ठीक है, और सेम डेटा कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब क्या होता है दोबारा देखते हैं, ठीक है? और मैं एक बार करता क्या करता हूं, इस कनेक्शन को यहां से डिलीट कर देता हूं। सीट ही नहीं कर रहा, कोई फर्क नहीं इसमें, ये आपको क्यूरीज है। चलो अब इंसर्ट, इसमें इंसर्ट नहीं, डेटा में गेट डेटा फ्रॉम फाइल और इसमें फ्रॉम फोल्डर, और फिर हम फोल्डर के पाथ को लेते हैं और यहां पे इसको मैं सिलेक्ट कर दिया एंड ओके।
फिर यहाँ पे कंबाइन एंड यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में करते हैं लोड में। ठीक है, सीट 7 को सेलेक्ट करते हैं, तो D2 भी आ गया, D1 भी आ गया। एक काम करता हूं, मैं सीट 5A1 को सेलेक्ट करता हूं, इसको ओके करता हूं। तो ट्रांसफॉर्म में हमारा पावर क्यूरी ओपन हो जाता है और पावर क्यूरी में हम देखते हैं क्या है, 3, 4, 5, 6 सेवन सीट नहीं आया क्योंकि तो इसमें सीट 1 नहीं था, दिख रहा है सर। तो यहां पे एक और भी है कि सब में सेम सीट होना चाहिए, अगर सीट अगर अलग अलग हुआ तो फिर वर्क नहीं करेगा। सर कॉलम भी सेम नहीं हुआ तब भी वर्क नहीं करेगा, अगर कॉलम से मतलब नहीं, कॉलम होने चाहिए सेम में डालेगा, जो कॉलम नहीं है उसको एक्स्ट्रा कर देगा। अच्छा अच्छा, और इसको डिटेल्स में आप एक बार अप्लाई करके देखिएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि मुझे अलग, अभी तो था फाइल एक ही फोल्डर में था, बट मुझे अलग अलग फोल्डर में है और एक ही सीट में 2 भी है, समझे, तो आपको फ्रॉम फाइल से चलना पड़ेगा। फ्रॉम फाइल में आप अपने लोकेशन पे जाएं और अपने, जैसे हमने यहां पे हमने सीट 7 को ले लिया, इंपोर्ट किया, और जैसे कि हमने D2 के ले लिया, क्योंकि एक बार में एक ही ले सकते हैं, तो लोड की जगह पे देखिए लोड 2 आता है, या फिर लोड 2 पे यहां दे दीजिए ओनली, यहां पे चेक ले दीजिए ओनली क्रिएट कनेक्शन, ओनली क्रिएट कनेक्शन दैट ओके। फिर वापस आइए और वापस फॉर्म फाइल, और फिर वापस इसी फाइल को सेलेक्ट करता हूं, इंपोर्ट करता हूं डेटा वाले को, और यहां भी हम करेंगे लोड 2। लोड 2 करने के बाद यहां पे एक पॉपअप आएगा, उसमें आप भी कर दीजिए ओनली क्रिएशन, क्रिएट कनेक्शन। ऐसे आप अपने अपने फाइल, जो भी फाइल उसकी कनेक्शन क्रिएट कर लें, उसके बाद यहां आपको डेटा मेनू बार में क्यूरी में ही आपको दिखेगा कंबाइन क्यूरी। कंबाइन में एक हमारा मर्ज क्यूरी है, एक हमारा अपेंड है, तो हमें एक के नीचे एक पेस्ट करना, मर्ज क्यूरी यही हुआ जो कल हमने बताया था ना आपको, रिलेशनशिप, ये मर्ज क्यूरी चल रहा है। अपेंड क्यूरी मतलब एक के नीचे एक पेस्ट करना। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद यहां पूछेगा 2 टेबल्स या मोर देन 3 टेबल्स, और आपको सिक्वेंस रखना है कि पहले डेटा को रखना है और डेटा के नीचे भी D2 को रखना है, फिर ओके कीजिए, और फिर यहां देखिए आपका डेटा दोनों शीट का कंबाइन हो गया, और फिर इसको लोड एंड क्लोज कर दीजिए। क्लियर है? अब मान लीजिए कि मुझे इसमें पिवट निकालना चाहिए था, पिवट चाहिए था, मैं दोनों टेबल का पिवट चाहिए, तो पिवट टेबल लगाते समय यहां यूज चूज कनेक्शंस, और यहां पे आप क्यूरी अपेंड आपको दिख रहा है, इसको सेलेक्ट कीजिए एंड ओपन, आपका पिवट टेबल हुआ है। या फिर जो हम ट्रांसपोर्ट में लोड 2 करते हैं उसी में आपको आता है पिवट टेबल का टॉपिक, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो विद इन 2 डेटा में पिवट भी आप लगा सकते हैं। समझ में आ गया? बट एक बात तो थी हमारी, इसमें क्या बोलते हैं, एक्सेल की बात थी,
और आपके पास ये लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन नहीं है तब क्या करेंगे, तो यहाँ अदर सोर्सेज में हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी पे जाएंगे, जो कि हमने कल बताया एक्सेल फाइल एंड ओके, और यहां से हम अपना एक्सेल फाइल सिलेक्ट करेंगे कि हमारा एक्सेल फाइल कहाँ है। तो 7 नंबर है, हमने सिलेक्ट करके ओके कर दिया और हमने D2 के लिया नेक्स्ट 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 और यहाँ पे लिख दीजिए एडिट माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी, तो आपका माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी खुल के आ रहा है। फिर इसकी SQL क्यूरी पे चले जाए, ये बहुत सारा लिखा हुआ है, इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से आप ये स्टार लगा देंगे तो ये मिल जाता है ऑल, ठीक है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम दिस फाइल, अब इसी को मैं कॉपी करता हूं और इसको नीचे पेस्ट करने से पहले मुझे यहां एक कमांड लगाना पड़ेगा यूनियन ऑल, और फिर वापस पेस्ट कर दीजिए और जहां D2 था वहां पे क्या करेंगे हम डेटा क्या, और फाइल का अगर पाथ वगैरह भी चेंज है तो पाथ वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। फिर आप ओके की एंड ओके, और ये देखिए आपका दोनों टेबल यहां मर्ज होके आपके सामने दिख रहे हैं। इसमें कोई और कॉलम ऐड पे कैलकुलेशन अगर करना है कुछ और करना कीजिए, नहीं तो यहाँ पे आपको कर दीजिए रिटर्न टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और आपको पिवट में चाहिए तो पिवट और टेबल में चाहिए तो टेबल में लास्ट। तो यूनियन ऑल का हमने कमांड लगाया, क्लियर है, किसी को डाउट इसमें? नो सर। यूसुफ जी, नवीन जी, अरे नवीन जी नहीं है, नवीन सिन्हा भी नहीं आए। तो सर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसमें आगे और भी चीजें हैं, उसको करने से पहले मैं चाहूंगा कि अच्छा बताइए आप सभी के पास एक्सेल 2016 और 19 है या नहीं है? नहीं सर, ये इससे पहले का लोअर वर्जन है, लोअर वर्जन है सर, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी के थ्रू ही चलना पड़ेगा, पावर क्यूरी। अच्छा किसके पास है 2016 या 19 या ऑफिस 365? सर अभी मेरा तो पुराना वाला ही वर्जन वो 365 है ना, वो वाला ही चल रहा है अभी। तो आप कर सकते हैं, यूसुफ जी नहीं कर सकते, राहुल जी आपके पास, वेंकट जी आपके पास? एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, फिर हम कल की क्लास में हम इससे आगे किसी और में पढ़ेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी खत्म कर रहा हूँ आज।